तो हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कोसगई माता मंदिर, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है। दोस्तों यह मंदिर सुंदर पहाड़ी की चोटियों में बसा है स्थित है। दोस्तों ये है हरदेव नदी और यहाँ पर गाड़ियों को नाव में लोड किया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ से गाड़ियों को नाव में लोड करके उस साइड ले जाया जाएगा। दोस्तों मैं भी इसी में बैठने वाला हूँ, तो चलिए बैठते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी हरदेव नदी के बीचों बीच हूँ। यह नदी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक नहीं है दोस्तों, कम से कम 600-700 मीटर है दोस्तों। यह नदी हरदेव बैराज से आ रही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दो नाव हमेशा चलती रहती है दोस्तों, लेकिन यह नदी वाला रास्ता हमेशा ख़राब रहता है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती है। तो आप जंगल वाले रास्ते से ही आइए दोस्तों। अब हम नदी के उस छोर पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ हमें उतार दिया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी को लोड किया जा रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पर तीन नाव चल रही है, लेकिन दो नाव यहाँ तक चलती है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दूसरी छोर पर, दूसरी तट पर, जहाँ से हमें पैदल चल कर जाना है दोस्तों। यहाँ पर गाड़ी को उतारा जाता है दोस्तों, और यहाँ से फिर से चलना पड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ से पैदल चलने वाले हैं। ये घर है जहाँ नाविक रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये चोटी पर, आपको देख सकते हैं यही चोटी माता का मंदिर है दोस्तों। और यहाँ हम सिंपल रास्ते में अभी चल रहे हैं दोस्तों। रास्ते में ऐसे घर आपको बनते दिखेंगे, जो अभी बन रहे हैं दोस्तों, पत्थरों से बनता है। ये नीचे का जो आप पैटर्न है, यहाँ से स्टार्ट होता है चढ़ने। ये दोस्तों भीमसेन, जो पांच पांडवों में से एक भाई भीम का ये उकेरा हुआ चित्र है दोस्तों। यहाँ पर पांडव आए थे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं जो पांडवों से जुड़ी हुई दोस्तों। ये वो ख़तरनाक चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सावधानी से चढ़ना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये यही इस मंदिर की ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, पायदान कह सकते हैं। ये थोड़ा बहुत खाई है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत खाई है दोस्तों, यहाँ बहुत सावधानी से चढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको ऊपर से आकर नीचे दिखा रहे हैं, यहीं से हम चढ़ रहे थे दोस्तों अभी। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से कितना, ये मैं कह रहा था ना आपसे, भीम के ज़माने का कुछ यहाँ है। ये देखिए ऐसे कुछ पत्थर हैं, क्या हमें तो समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ से नीचे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। नीचे एक तालाब भी है दोस्तों, खेत हैं जहाँ लोग किसानी करते हैं। ये वो पर्वत है दोस्तों जहाँ पर माता का मंदिर है, और ये वो जगह है जहाँ से मैं चल कर आया हूँ दोस्तों, जहाँ से हम चढ़ाई कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से विस्तार से दिखाता जाऊँगा दोस्तों, ऐसे हम आगे चढ़ते जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर पठार टाइप का है छोटा सा, और ये बहुत ही सुंदर यहाँ से देख सकते हैं नज़ारा, आपको दिख सकता है। ये पर्वत है जिस पर माता बैठी विराजमान है दोस्तों। आगे चलने पर आपको शेषनाग पत्थर दिखेगा दोस्तों। ये शेषनाग पत्थर शेषनाग के आकार में होने के कारण इसका नाम शेषनाग पत्थर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा झरना आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये बरसात के दिन में थोड़ा इससे ज़्यादा पानी आता है दोस्तों। उसके जस्ट बगल में है ये गुफा, यहाँ पर ज्योति कलश वगैरह जलाए जाते हैं दोस्तों, और जवारे भी बोए जाते हैं। नवरात्रि के सीज़न में जो समय होता है दोस्तों, वहाँ यह गुफा हमेशा भरा रहता है ज्योति कलश से दोस्तों। ये गुफा अंदर देख सकते हैं, ये जो त्रिशूल है वहाँ पर जवारे बोए जाते हैं। तो दोस्तों ये है गुफा के अंदर दोस्तों। जैसे हम गुफा से बाहर आते हैं, तो हमें दिखाई देता है केले का पौधा, बहुत से केले के पौधे यहाँ पर होने के कारण इस जगह का भी नाम हो गया है केरा झरिया दोस्तों। छत्तीसगढ़ी में इसको केरा झरिया बोलते हैं। केरा मतलब केले के पौधे, और झरिया मतलब हम कह सकते हैं झील, छोटा सा झील, छोटा सा झील, और केले के बहुत से पौधे होने के कारण यहाँ का नाम केरा झरिया हो गया दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं केरा झरिया की ओर। ये केरा झरिया का सीन दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि के सीज़न में समय में बहुत भीड़ लगा रहता है दोस्तों, और यहाँ पर ज्योति कलश भी जलाए जाते हैं। ये हम केरा झरिया मतलब उस झील की तरफ जाते हैं, जहाँ पर छोटा सा झील है जिसका नाम केरा झरिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस झील को, जहाँ से यहाँ पानी की आपूर्ति होती है, यहीं से पानी पीने के लिए ले जाया जाता है
और एक आदमी भी है जो यहाँ से पानी लेकर जाता है, उससे मिलवाएंगे हम आपको। और ये वो झील है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमेशा ठंडी गर्मी बरसात हर हमेशा यहाँ पानी इतना ही रहता है, कम नहीं होता है दोस्तों। इस इतने ऊपर पहाड़ में ये पानी पता नहीं कैसे, एक चमत्कार ये है। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब केरा जरिया से निकल कर हम चलेंगे ऊपर की ओर। चलिए निकलते हैं यहाँ से। यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष भी हैं दोस्तों, जो यहाँ को और भी सुंदर बना देते हैं। तो दोस्तों, केरा जरिया से जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें एक मंदिर दिखता है बजरंगबली का, तो चलिए उसका दर्शन करते हैं। जैसे जिस दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये देख सकते हैं, हम पहुँचने वाले हैं बजरंगबली के मंदिर में। यहाँ पर एक छोटा सा दुकान भी है दोस्तों, जहाँ पर लोगों को पानी भी पिलाया जाता है और आप यहाँ से कुछ खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप दिखाते हैं आपको ये मंदिर, ये जो दिखाई दे रहा है बजरंगबली का मंदिर, जहाँ एक झंडा भी है बजरंगबली का। ये दोस्तों, ये वो मंदिर है जिसको पार करके हमें ऊपर जाना होता है। तो दोस्तों, चलिए हम अपना वीडियो टाइम लैप्स में डालते हैं, क्योंकि इसके आगे देखने के लिए और नहीं है, तो फास्ट हम जल्दी आपको तुरंत ऊपर पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अंतिम सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए, हम पूरी तरह से थक चुके हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही घाटी मतलब चढ़ाई सीढ़ियाँ और पत्थर से बने सीढ़ियाँ हैं, तो बहुत ही हम थक चुके हैं। लेकिन बस अब पहुँचने वाले हैं, हमको मंदिर दिख चुका है दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं कोसगाई माता मंदिर, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि हम इसके आगे कैमरा नहीं ले जा सकते। यहाँ फ़ोटो खींचना, माता का फ़ोटो खींचना बिल्कुल भी मना है दोस्तों। यहाँ पर चलिए खास चीज़ आपको दिखाते हैं, टाइटेनिक से पत्थर, टाइटेनिक के बनने से पहले ही ये पत्थर यहाँ बनकर पड़ा हुआ था, मतलब बन चुका था। देख सकते हैं आप, मंदिर के चारों ओर कम से कम 300 से 400 फीट गहरी खाई है। ये मेन मंदिर है दोस्तों, और ये राइट साइड में देखिए, यहाँ भी पूरी तरह से खाई है। और इसी दिन जैसे हम आए थे, ये वो पत्थर है जो टाइटेनिक शेप में यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर कुछ कुछ लिखा भी है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मंदिर है और ये पत्थर है। तो अब यहाँ से हम आगे जाने वाले हैं, कैमरा नहीं ले जाने दिया जा रहा है दोस्तों, तो हमें कैमरा और सब कुछ यहाँ छोड़ के आगे जाना पड़ेगा, हमारे एक टीम के मेम्बर को यहाँ रुकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और यहाँ आने के लिए दोस्तों हम बता दें आपको खास जानकारी, नदी वाला रास्ता बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि बरसात के समय में तो और बिल्कुल ना आए, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही कीचड़ भरा रहता है और गाड़ियों के चलने से ये रास्ता तो बिल्कुल ख़राब रहता है। और जंगल वाले रास्ते से आपको आने में परेशानी ये होगी कि आप अपने गाड़ियों को एकदम ठीक से रखें, क्योंकि वो लंबा रास्ता है और बीच में अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई या तेल ख़त्म हो गया तो आपको बहुत लंबा रास्ता चल के जाना पड़ सकता है दोस्तों। चलना पड़ेगा आपको कम से कम 10 से 15 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जो गांव भी है वो बहुत दूर है। तो कोशिश कीजिए अपना पेट्रोल टैंक फुल रहे और गाड़ी भी ठीक ठाक रहे। और नदी वाले रास्ते में सिर्फ आप बाइक से ही आ सकते हैं, कार नहीं पार किया जाता, क्योंकि कार पार करने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।